ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं ऐसी हूँ। ऊपर वाले ने मुझ में उतनी ताकत दी है कि मैं उनकी तरह बन सकूँ। मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं खोया, मैंने उल्टा पाया है। मैं एक फ़िज़िकल चैलेंज रहकर मैं फ़िज़िकल चैलेंज ज़रूर हूँ औरों के लिए, लेकिन मैं ख़ुद फ़िज़िकल चैलेंज अपने आप को नहीं मानती। फिजिकल का और मैन के कौन सा भी प्रॉब्लम हो और उसको ओवरकम करने के लिए एडुकेशन एंड एडुकेशन रहे तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। मुझे उठने भी नहीं आता। मैं पढ़ाई के सिवा और कुछ बहुत करती हूँ, घर का काम पूरा संभालती हूँ। इंशाल्लाह मैं सब लोगों की दुआ से IAS बनकर सबको हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब ये है, ड्रीम ये है, MBH है। पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल से एक जकात चार्टेबल ट्रस्ट से मेरे को हेल्प हो रहा, वो उनके हेल्प से मैं अब इतना भी पढ़ा रहा था। हमारी बहन फिजिकली हैंडीकैप है, लेकिन ये कभी भी उन्होंने ये फील नहीं करे और उन्हें पढ़ते रहे और हम हमारी तरफ से मदद आते रहे उनको। उनका ख्वाब IAS करना चाह रहे हैं, उन्होंने वो ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करें। मैंने तो इस डिसेबिलिटी से कुछ भी नहीं खोया है। मम्मी पापा के बहुत से प्यार पाई हूँ, दूसरे लोगों की मदद पाई हूँ, उन्होंने देते से दुआएं मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि जैसे अपने हालात जैसे भी हो, अपने आप हालात जैसे भी जगह है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, जैसे भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो आपका सहारा वो ज़रूर बनेगा। पहले तो उतना उम्मीद नहीं रखे थे कि पढ़ सकेंगे, बच्ची पढ़ लिए थे, बस ऐसा सोचे थे। फर्स्ट क्लास ही आई, मार्क्स अच्छा है उसको स्कूल में। जब सेवन्थ में आई तो भी फर्स्ट आई, एट्थ में आई तो भी फर्स्ट आई, नाइन्थ में आई तो फर्स्ट आई। जब टेंथ का एग्ज़ाम लिख के फर्स्ट क्लास आई और इतना जब चर्चा हो गया तो हम और सोच रहे कि बच्ची कुछ बन सकेगी, पढ़ सकेगी। उसको जो है ना 524 मार्क्स आए, हम खुद परेशान हो गए। फिर बाद में हमको ऐसा लग रहा कि भाई अल्लाह ताला क्या क्या करिश्मा कर दे सकता। फिर हमको बहुत बड़ी खुशी हुई कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम भी मेहनत करें उसके साथ साथ में, उनकी नानी और मई साथ में से माँ बाप वगैरह सब मेहनत करे, बहुत काफ़ी मेहनत से जो सुना पढ़ाए और बच्ची भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ी, पढ़ के यहाँ तक पहुँची। और इसमें जो सुना हमको ज़्यादा करके चार जकात वाले हैदराबाद जो सुना वाले जो सुना हमको बहुत इमदाद किए बेचारे और काफ़ी मदद किए हमको, जो सुना बच्ची को कुछ कैश भी दिए। फीड ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी बहुत मदद की है, उन्होंने मुझे हर तरह से मेरी मदद की है, जैसे और आगे भी वो मेरी मदद करने के लिए वादा किया है उन्होंने, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली उनका शुक्रिया अदा करती है।
डिप्लोमा तक तो 3000 वो कितना होता रहता है फीस भर देते थे। आफ्टर डिप्लोमा होने के बाद इंजीनियरिंग जाना चाहते तो फीस बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत रहता है। वो ज़्यादा बहुत रहने के लिए हमारे मम्मी पापा वो बहुत फील होते क्यों ऐसा इतना फीस हम तो भर नहीं सकते, आप तो पढ़ाई स्टॉप कर दो, कितना कितना ही जॉब मिले वो जॉब कर ले। आई एम वो तब हमारी एक इंटरव्यू के गुंटूर जाता था, इंटरव्यू में ये एक फ्रेंड मिला, वो सम इंटरव्यू जा रहा है तो पूछा था कौन सा इंटरव्यू ऐसा क्यों ऐसा इंजीनियरिंग करे तो तुम्हारा एम कुछ ना तो कुछ पाओगे, कैसा पाऊँगा मैं ऐसा हमारा पैसा प्रॉब्लम है, मैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो नहीं है। वो बोला था ऐसा फीड और जगह चैरिटेबल हैदराबाद जगह चैरिटेबल ट्रस्ट उनको उनने आपको मदद दिएगे। फीड इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिंस लास्ट 18 इयर्स एंड वी हैव स्पेंट अबाउट 50 crores towards the education of the community, and it has had very good results. One of the main aspects of FEED is to help the physically challenged students. During the course of last 18 years, we must have helped about 2,500 physical challenged students by giving them scholarship, and some of them are in our schools. We run about 70 schools with about 16,000 students educating there, and several of them are physically challenged. Now, Brother Yusuf came to our rescue about 7 years ago, and he said all the physically challenged students would be supported by Equally Able Foundation, USF. And since last 6 years, we have worked very hard to locate all these students from remote villages and try to give them help for any course they want to do. Several of them have got into engineering, several of them have got into medicine, several of them are doing masters, MBA, MCA, etc. And several of them have become teachers. And it has been a very successful program. I don't know the reason, but physically challenged students with our experience are much more focused than any other student, perhaps because of their disabilities. And inshallah, the same thing we'll do. The new complex which are going to come up, Knowledge City at Vekharabad, where we have very special arrangements for physically challenged students, and we'll bring them into that complex and give them the best of facilities and best of education. छोटी सी है आशा ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे।